समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा के बूथ सम्मेलन का आयोजन तरंग क्रॉसिंग स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें सदर सांसद प्रवीण निषाद, महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, कार्यक्रम आयोजक राहुल गुप्ता, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, राजकुमारी देवी, अशोक चौधरी, पूर्व पार्षद जनार्दन चौधरी, दीपा यादव सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टियों के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा 2019 की चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ता जुट जाएं तथा मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। नेताओं ने कहा कि कुछ पार्टियां सपा के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के फिराक में है, जिसे कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक राहुल गुप्ता ने बताया। चार्ज किया जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने फिर वो अपना अनाज पैदा करके मनमाने रेट पे बेचने का कार्य करेंगे और समाज में व्यापक इसमें जोड़ने का कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हरी अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए माइनस पॉइंट पर भी बात होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम लोग अभी कल वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना है, 5-6 भर करके सारे लोग जमा करेंगे। ये काम तो हम लोग कर देंगे, हमें बड़ी खुशी है। अब तो हमारे मुसलमान में ये जागरूकता आई, दलितों के बाद मुसलमानों ने जब धोखा खाया है और आसाम में जब 40 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नाम काट करके बांग्लादेशी जब घोषित किया गया है, तो हमारे मुसलमान भाई चौकन्ना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 12 लाख मुसलमानों का वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है, इसलिए हम फिक्रमंद हैं। हम तो अपने वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कटवाएंगे नहीं तो बढ़ नहीं पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की समाज विरोधी नीतियों को, राजनीतिक विरोधी नीतियों को और आर्थिक विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए जो हमारी पूर्व की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनके कार्यों को जनता के बीच में बताने का काम हमें करना होगा। आज जो पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का चश्मा हमारी जनता के, हमारी जो भोली भाली जनता है उसके चेहरे पर लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम कर रही, हमें भी अपने इस जनता को जागरूक करना होगा। गोरखपुर महानगर शहर विधानसभा का आज कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन है, इसमें हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम किया है और कार्यकर्ता हमारी पूरी तरह से लग जाएगी, फौज की तरह लग जाएगी कि जनता के बीच में जाकर यहाँ गोरखपुर और प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को बताने का काम करेगी। फर्जी इनकाउंटर, जितने भी बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्यान धन योजना, आसरा योजना जैसी तमाम योजनाओं को इन्होंने रोक कर आज गरीब जनता को बहुत परेशान किया। व्यापारियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, GST और नोटबंदी के कारण आज व्यापारी जो गरीब व्यापारी हैं और मीडियम क्लास के परिवार है, उनके आज गरीबी को देख के लोगों समय कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली इस बेरोजगारी की वजह से। और ये झूठी सरकार, मोदी सरकार, जो कि पूरी भारतवर्ष में कभी भी किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया गया, लेकिन जो राफेल सौदा हुआ, राफेल सौदा भी जिसमें 30,000 करोड़ केवल अंबानी परिवार ने कमाया, जिसमें भी 10% मोदी खुद कमाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी है। और यहाँ पे तमाम बूथ के हमारे बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आज हमारी शहर विधानसभा की इस बैठक को अपने जनता के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये पूरी तरह से सफल हुआ है। और जनता के बीच में और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी से जल्दी आने वाले 2019 के चुनाव को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और फिर से लोकसभा में अखिलेश यादव के परचम को फहराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय अखिलेश, जय समाजवाद।